जनपद संभल के चंदोसी में नगर पालिका परिषद के शेल्टर होम में रुके प्रवासी मजदूर दी जा रही है सुविधाओं से संतुष्ट। इस समय कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में फैल चुका है, जिसको देखते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर उन प्रवासी मजदूरों पर पड़ा जो अपने अपने घर और प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन करते थे। लेकिन पीएम ने जब पहले चरण के 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी तो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े थे। ऐसे ही कुछ प्रवासी मजदूरों को जनपद संभल की चंदोसी में प्रशासन ने चंडीगढ़ से बिहार जा रहे मजदूरों को नगर पालिका परिषद के द्वारा घटलेश्वर गेट में बने शेल्टर होम में क्वारंटाइन करा दिया था, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम प्रतिदिन सुबह और शाम को इनका थर्मल स्क्रीनिंग भी करती है। इन लोगों के लिए प्रशासन ने खाने और रहने की भी उचित व्यवस्था कर रखी है। इस विषय में जब टीम ने यहाँ पर क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं से पूर्णतः संतुष्ट हैं और उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आपका सोनू, कहाँ के रहने वाले हो? राजापुर। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ पे हो आप? चंदोसी। कहाँ से आ रहे थे आप? बदाम पे। नहीं, कहाँ से आ रहे थे? बदाम पे। बदायूं से आ रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? कौन से गाँव? राजापुर। अच्छा, अब यहाँ पे आप रुके हुए हो चंदोसी में, तो आपको खाने पीना या रहने की कैसी व्यवस्था मिली है? सब बढ़िया है। हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कितने दिन से थे यहाँ पे? 17 रोज ही है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या यहाँ पे जो रुके हुए हो आप, कहाँ पे रुके हुए उस समय? चंदोसी। तो यहाँ रहना खाना पीना कैसा है आपका? खाना पीना सब सही है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग भी चले जाते तो अच्छा रहता। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे सरकार से? ऐसे ही कहना चाहेंगे कि 19 लोग साथ में थे, वो लोग चले गए और हम लोग 4 लोग हैं यहीं पे है बिहार से, हम लोग भी चले जाते। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमें भी व्यवस्था करके हमें भी अपने घर छोड़ दें।